हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है आपके लिए, जो DSSB के हम प्रीवियस पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं। कॉमन पार्ट के काफी सारे पेपर सोल्यूशन कर दिए हैं, लगभग हो चुके हैं। और PGT मैथमेटिक्स का अभी जो सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ, जो कि आपका पेपर हुआ था 30/11/2014 का जो पेपर हुआ था, DSSB PGT का मैथमेटिक्स का सोल्यूशन हम करने वाले हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन, ठीक है, उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए के हमने सारा का सारा सोल्यूशन कर लिया। अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो तो TGT और PGT मैथमेटिक्स का तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो मिशन DSSB एप्लीकेशन, वहां पे आपको सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है। If A and B are positive integer, कोई भी positive integer आप A और B ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, then such that A square minus B square is a prime number, मतलब A square minus B square क्या आना चाहिए मेरा, prime, ठीक है। तो कोई भी मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से नंबर, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया 3 का स्केयर, और यहां पे मैंने 2 ले लिया 2 का स्केयर, तो 9 minus 4 कितना आ गया मेरा 5, और 5 मेरा क्या है, प्राइम है, बिल्कुल है। नेक्स्ट चलते हैं, देन ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस टाइप से है। तो अगर मैंने ए अब यहां पे क्या माना है 3, और बी मैंने क्या माना है 2, अगर इन दोनों का एडिशन कर देते हैं ए प्लस बी, 3 plus 2 क्या आता है मेरा 5, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल आ रहा है, यहां देखिए, ठीक है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल आ रहा है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर भी 5 है और ए प्लस बी भी 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, PGT में पहले भी पूछा गया, 2018 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया। द रिमाइंडर वेन 0 factorial, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी ना क्वालिटी जो है वो सही नहीं है PDF फाइल की, क्योंकि बहुत ही मशक्कत करने के बाद पेपर ये मिला है, तो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी मैं आपको सारा बता दूंगा। 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial up to 100 factorial डिवाइड बाय 12। अब होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा पेड कोर्स वालों के लिए, हो सकता है कि यूट्यूब पे पब्लिश कर दूं तभी थोड़ा सा पहले बताना पड़ता है एप्लीकेशन का। तो मैंने आपको करवा रखा है, कभी इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या होता है, जो फैक्टोरियल जैसे 0 factorial, plus 1 factorial, plus 2 factorial, plus 3 factorial, plus 4 का factorial, पौन में 12, 12 से जब तक वो डिवाइड नहीं होता तब तक आप चलते रहो, अदरवाइज क्या होता है, तब तक आपको रुक जाना, आगे जितने भी होंगे। अब 4 factorial जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है, 4 factorial क्या होता है, 4 into 3 into 2 into 1, 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 आंसर आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो रिमाइंडर चाहिए होता, रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, हमें रिमाइंडर चाहिए ना, रिमाइंडर क्या आएगा। अब आगे 4 factorial से जितने भी होंगे उसके अंदर 12 तो हमेशा इंक्लूड होगा, क्योंकि 5 का factorial भी अगर मैं लिखता हूं तो 5 × 4 का factorial मैं लिख सकता हूं, तो 4 का factorial तो हमेशा हर किसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे रिमाइंडर क्या देंगे, 0, और एडिशन कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0, इसका मतलब मेरा आंसर सिर्फ 0 का factorial plus 1 का factorial plus 2 का factorial plus 3 का factorial plus, ये तो 0 ही आ गया, रिमाइंडर 12 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा आंसर आगा। अगर ये आंसर 0 12 से बड़ा है तो फिर से हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हम निकालेंगे, रिमाइंडर होता है मेरा शेषफल। 0 का factorial 1 होता है, 1 का factorial भी 1 होता है, 2 का factorial 2 होता है, 3 का factorial 3 × 6 होता है, 6 और 2 8 और 1 9, 9 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं 8, 9, 10 आ गया ना, 10 आ गया, सॉरी यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 10 मेरा आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 3x - 4 mod 5, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 3x ये ऐसा दिया होता है 4 mod 5, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि 3x - 4, 4 इधर आ जाएगा, वो जो है 5 टाइम के होना चाहिए, जो मोड 5 है ना 5 टाइम, मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो है आना चाहिए के, के को समझ लो कोशियंट,
ठीक है, डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए, पॉइंटों में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए हमेशा, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे ये कब संभव है, ये कब संभव है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3x माइनस 4 जो रिमाइंडर मेरा आना चाहिए ना, रिमाइंडर वो आना चाहिए मेरा जीरो हमेशा। तो x को अब ऑप्शन आपके सामने है, x को मैं 1 पुट करता हूं, ठीक है, 3 माइनस 4 बाय 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, 2 पुट करता हूं तो 6 माइनस 4 2 बाय 5 तब भी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 15 माइनस 4 11 बटे 5, ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है, 3 पुट करेंगे 3 9 माइनस 4 बटे 5 तो 5 बटे 5 मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। याद रखना रिमाइंडर, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ रहा है, तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन करने होते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर 500 क्या मेरा आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी कुछ ऐसा आ जाए जैसे 6 की पावर ऑफ 500 है, ठीक है, इसको ना जो ऊपर पावर होती है ना उसको क्या क्या करो, 4 से डिवाइड क्या करो, जो मेरा रिमाइंडर आएगा, अगर तो मेरा रिमाइंडर आता है जीरो, ठीक है, रिमाइंडर अगर मेरा आता है जीरो और रिमाइंडर मेरा एनी मतलब कोई भी आ सकता है, 0 1 2 3 आ सकता है। ठीक है, 4 तो कभी रिमाइंडर आएगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 यही मेरे रिमाइंडर आ सकते हैं। तो अगर जीरो रिमाइंडर आता है तो मैंने क्या करना है, 6 की पावर 4 कर देना है, वही लास्ट डिजिट जो मेरा आएगा उसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो मेरा आंसर होगा। अदरवाइज जो मेरा रिमाइंडर आया उस वो 6 की पावर वो कर देना है। अब यहां पे देखिए 500 बटे 4 जब मैं कर रहा हूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 × 4 = 2 20 × 4 = 20। तो रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं, रिमाइंडर मेरा आ रहा है जीरो, 4 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 6 की पावर 4 मेरा जो है आंसर होगा, 6 × 6 × 6 × 6। तो छिकी छुकी छत्ती, मतलब लास्ट के अंदर हमेशा डिजिट 6 ही आने वाला है, तो आंसर होगा मेरा 6, क्योंकि यूनिट डिजिट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ आर सी आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये चीज है, ये चीज मैंने आपको कराई थी सेट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, कि डोमेन जो है इसके बाद हम टायर टू करेंगे जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे 200 क्वेश्चन पहले मैंने आपको पीजीटी के 2018 के कराई, टीजीटी के कराई, फिर पीजीटी के अब करा रहा हूं, फिर पीजीटी के 2014 का करा रहा हूं, 15 करा रहा हूं, ये क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है। उसके बाद हम और केवीएस एनवीएस डीएसएसबी एचटेट सारे पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे। डोमेन मैंने आपको बताया था, तो ये होता क्या है कि वो एग्जिस्ट करता है किसमें। अब देखिए रूट के अंदर कोई भी चीज है, रूट के अंदर है कोई भी चीज तो वो एग्जिस्ट कैसे करती है, एक्स जो है मेरा इसके अंदर वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यही हो सकता है ना, जीरो या जीरो से बड़ा। अगर वो माइनस के अंदर गया तो रियल पार्ट नहीं इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। फंक्शन डिफाइन है एफ आर टू आर, मतलब रियल टू रियल, इसका मतलब अगर 1/2 में होता तब जीरो नहीं आ सकता था, 1/0 इन्फिनिटी बन जाता, तब वो जीरो से बड़ा ही होना था हमेशा। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि रूट ऊपर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसके टुकड़े अगर आप बनाओगे x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब टुकड़ों को कैसे खोला जाता है, और लेस देन इक्वल टू जीरो होता है तब कैसे खोला। अगर लेस देन होता तो वैल्यू आ जाती है x की 1 के से 2 के बीच में, ग्रेटर देन है तब मैंने आपको सिखा रखा है कि बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, x की दो वैल्यू निकाल लो, x की एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी जब जीरो के इक्वल रखेंगे। तो बड़े से बड़ा, ठीक है, दो से बड़ा और छोटे से छोटा, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसके आंसर करने का, अदरवाइज आप हो सकता है कि गलती कर जाओ। तो बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मतलब छोटे से छोटा, पहले 1 को ले लेते, छोटे से छोटा माइनस इन्फिनिटी से 1, और यहां पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी जो इन्फिनिटी वाला पार्ट होता है, और यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी साथ में लगा हुआ है। यूनियन क्या आएगा मेरा, बड़े से बड़ा मतलब 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। लेट एफ आर सी आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos x 4 ऑल x बिलोंग्स टू आर,
देन द रेंज ऑफ एफ इज, ठीक है, एफ जो है आर से आर फंक्शन डिफाइन बाय एफ एक्स दिया हुआ है। अब आपको पता है कोस रेंज हमें निकालनी है, कोस एक्स जो होता है ना वो मेरा कहां माइनस वन से वन के बीच में होता है, इसकी रेंज कोस एक्स की हो चाहे साइन एक्स की रेंज हो माइनस वन से वन के बीच में होती है। तो माइनस कोस एक्स की रेंज कैसी होगी, ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, तो सिंबल भी चेंज हो जाता है। अब जो है टू हमें ऐड करना है, तो यहां पे थ्री हो गया, टू माइनस कोस एक्स, क्योंकि वहां पे ऊपर क्या है टू माइनस, ये देखिए फंक्शन के अंदर क्या है ये चीज है, तो यहां पे क्या हो गया टू प्लस करेंगे तो वन आ जाएगा, टू माइनस वन वन। अब देखिए वो वन बाय के अंदर है, वन बाय करेंगे तो वन बाय थ्री, यहां भी साइन चेंज हो जाएगा टू माइनस कोस एक्स, और यहां भी वन बाय वन हो जाएगा तो वन ही लिख देंगे। इसका मतलब वन बाय में टू माइनस कोस एक्स की जो रेंज है वो वन बाय थ्री में क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हमारे पास लगा हुआ है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ जीरो से वन से जीरो से वन जा रहा है क्लोज ब्रैकेट के अंदर, बी डिफाइन बाई एफ एक्स दिया हुआ है जब एक्स दिया हुआ है जब एक्स रैशनल है, और वन माइनस एक्स दिया हुआ है जब एक्स ई रैशनल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निकालना है हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम रैशनल की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, इफ एक्स इज रैशनल, ठीक है, रैशनल की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, तो हम पुट करेंगे एक्स के अंदर, एक्स के अंदर एक्स ही पुट करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स ही आ गया जब एक्स रैशनल है, क्योंकि दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इफ इफ एक्स इज इरेशनल, अगर मेरा इरेशनल है तब मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखिए ध्यान से कि एफ ऑफ एफ एक्स, तो क्या है मेरा वन माइनस एक्स को एफ एक्स पुट करना है तो वन माइनस एक्स आ गया, क्योंकि हमें गिवन है वन माइनस एक्स है, वन माइनस वन प्लस एक्स ये कट जाएगा तो फिर भी मेरा एक्स ही आ रहा है। एफ ऑफ एफ एक्स चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, हमेशा मेरा आंसर एक्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है, सिंपल, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी के अंदर है, अगर किसी ने देखना हो हिंदी के अंदर तो आप देख सकते हो, ठीक है, एक मिनट का मैं टाइम यहां पे दे रहा हूं आपको, 101 से लेके 107 तक अगर किसी ने हिंदी के अंदर क्वेश्चन देखने हो तो आप देख सकते हो। चलिए लेट एफ आर से आर बी डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एक्स क्यूब थ्री एक्स, ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको कर दूं, ये दिया हुआ है टू एक्स, ये दिया हुआ है एक्स का क्यूब, ये दिया हुआ मेरा थ्री एक्स, जब मेरा एक्स जो है थ्री से बड़ा है, ये दिया हुआ एक्स जब मेरा वन और थ्री के बीच में है, यहां पे एक्स जब मेरा वन से नीचे है, ठीक है, ये गिवन है। अब f माइनस वन एफ टू और f फोर निकालना है, ठीक है। अब यहां देखिए पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा निकाल लेता हूं, f माइनस वन क्या आएगा, माइनस वन मतलब जब x जो है वन से नीचे है, वन से नीचे है, तो यहां देखिए ग्रीन से ले रहा हूं मैं, वन से नीचे तो हमारा ये फंक्शन आएगा 3x वाला, 3x, x की जगह मैं माइनस वन पुट करूंगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। उसके बाद मैं निकालता हूं f2, ठीक है, 2 मेरा किस साइड आएगा, यहां पे 1 और 3 के बीच में 2, तो एक्स क्यूब फंक्शन आएगा, एक्स क्यूब आएगा तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। उसके बाद एफ फोर, फोर मेरा एग्जिस्ट कहां करेगा, फर्स्ट वाले में, एक्स जब 3 से बड़ा है तो 2 इंटू 4 मेरा क्या आ गया, फिर से 8 आ गया। तो चलिए यहां पे एक गलती हुई हमारे से कि मैंने अभी देखा, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं, एक्स का ये जो क्यूब लगाया ना मैंने, ये क्यूब नहीं है यहां पे, तो यहां पे थोड़े से गलती को नोट करना, x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर है, तो यहां पे अब क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, क्यूब नहीं आएगा तो यहां पे अब क्या आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आएगा। अब तीनों का एडिशन करना है, यहां देखिए तीनों का एडिशन पूछ रहा है, वो एडिशन करना है, 8 और 4 12, 12 में 3 गए 9, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं. लेट एफ आर से आर बी डिफाइन बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन. देन प्री इमेज ऑफ, ये देखिए ऐसे हमने इमेज किया हुआ, इमेज और प्री इमेज टाइप से कोई भी यहाँ पे कोई फंक्शन लगता है एफ एक्स, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू दिया हुआ है. यहाँ पे कोई ए एफ फंक्शन के लगने के बाद बी वो इमेज देता है, बी की प्री इमेज हमें निकालनी है. प्री इमेज हमें क्या क्या हम पुट करते हैं फंक्शन में कि वो 17 दे, ठीक है ना. एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा 17 दे. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, चार पुट करेंगे जो कि चूंकि 16 प्लस 1 17, ठीक है. ऐसे ही माइनस चार पुट करेंगे, माइनस चार का स्क्वायर भी वो क्या देगा, 17 ही देगा. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ आ रही है. अगला क्वेश्चन करते हैं. इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए बी एंड सी सेटिस्फाइंग द रिलेशन. अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा जो है रूट्स दी गए. अब रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप चले जाओ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस बी, माइनस पहले पड़ा हुआ है, माइनस बी बाय ए. सम ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट मुझे गिवन है. दो ये सम ऑफ रूट्स होता है. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को. अब देखिए नेक्स्ट हमें अब क्या करना है. मैंने क्या किया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने स्क्वेयर कर दिया बोथ साइड, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू टाइम साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन होता है, और ये टू टाइम साइन थीटा कोस थीटा. सेकंड इक्वेशन देखिए, साइन थीटा कोस थीटा क्या दिया हुआ है, सी बाय ए, तो टू टाइम सी बाय ए आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय में ए स्क्वेयर आ गया, ठीक है. अब इसको मैं सोल्व करता हूं, ठीक है. तो ए स्क्वेयर वहां चला जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आके ए से ए कट जाएगा, तो कोई बात नहीं, ए स्क्वेयर को वहां भेज दो एक बार. ए स्क्वेयर प्लस टू सी ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर आ गया. तो यहां पे देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो आ गया. ये मेरा आया आंसर. ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. अगला क्वेश्चन करते हैं. इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा. अब सो सिंपल है, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको बोथ साइड स्केयर कर देता हूं. वैसे तो आप पाई बाय टू पुट करके देख सकते हो, साइन पाई बाय टू और वन होता है कोस पाई बाय टू, जीरो हो जाएगा तो वन आ जाएगा. और साइन यहां पुट करेंगे थीटा को पाई बाय टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई क्या हो जाएगा, जीरो मेरा आंसर आ जाएगा. फिर भी हम दूसरे तरीके से करते हैं, बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे. साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्लस टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, ठीक है ना. हमने ये वाला लिया, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, प्लस टू टाइम साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वन. तो यहां से अब हम देखिए क्या है, वन से तो वन कैंसिल हो गया बोथ साइड, तो साइन ये क्या आ गया, साइन टू थीटा, क्योंकि टू साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो. यही हमने उसने पूछा था, साइन टू थीटा क्या आएगा, वो आंसर आएगा जीरो, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 112, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस थ्री पाई बाय टू क्या आएगा. द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस थ्री पाई बाय में टू क्या आएगा. तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे कोस इनवर्स है और अंदर क्या है, कोस पाई प्लस पाई बाय टू में मैं लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है. अब जो है क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो आपको पता है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज आ गई, पाई प्लस पाई बाय टू. तो इसके अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो मेरा क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय टू, ये आ गया ना मेरा, समझ रहे हो. अब जो है एक प्रॉपर्टी हमें पता है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की थी, कोस इनवर्स माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कोस थीटा. पाई माइनस से होता है ये हमेशा, साइन होता तो माइनस साइन इनवर्स लिख देता, बट कोस इनवर्स है, कोट है, सिकंड है, तो पाई माइनस आएगा. ऐसे ही तो मेरा क्या आ गया यहां पे, पाई माइनस कोस इनवर्स, यहां पे दोबारा मैं लगा देता हूं, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाय टू. ये पूरा क्या है, कोस पाई बाय टू क्या है, एक प्रकार से थीटा ही तो है. तो क्या कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाय टू मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, ठीक है. ओहो हो,
थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या हो गई। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे। तो मेरा क्या आ गया, कोस इनवर्स कोस पाई बाय टू, इसको मैं जब रिप्लेस करता हूं, यहां पे हमने क्या किया था, कोस इनवर्स माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूं, पाई माइनस कोस थीटा। तो ऐसे ही मेरा क्या आ गया यहां पे, पाई माइनस यहां पे है कोस थीटा, पाई माइनस कोस इंटू कोस इनवर्स इंटू कोस कोस इनवर्स थीटा आएगा ना यहां पे, कोस पाई बाय टू, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाय टू, तो मेरा आंसर क्या आ गया, पाई बाय टू। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स एक्स। इसको देखिए एक दो तीन तरीकों से आप कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स को उन्हीं के छह फॉर्मूले में अलग अलग कैसे आप जो है फर्दर उन्हें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन इनवर्स का क्या होता है मेरा, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को ही अगर मैं टेन इनवर्स में चेंज करूं तो मेरा क्या होता है, एक्स बाय में वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसी को ही अगर मैं कोट इनवर्स के अंदर वो करूं तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, ये उल्टा हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय एक्स, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट ये भी मैं पुट कर सकता हूं, कोट टाइम साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय एक्स, कोट से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका भी है इसको करने का, वो मैं आपको बताता हूं। आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स एक्स को ना टी पुट कर दीजिए या थीटा पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर जो है आ जाएगा, आप करके देख लेना। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जब कोई जैसे कि डी वाई बाय में डी एक्स है, डी स्केयर डबल टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका अगर मैं इसकी पावर थ्री है, तो इसका ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर हो गया इसका टू, क्योंकि टू टाइम डिफरेंशियबल हो रहा है। और डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर जितनी पावर होगी, जितना हाईएस्ट डिफरेंशियबल वाला फंक्शन होगा और उसकी जितनी पावर होगी वही मेरी डिग्री मानी जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि वन प्लस डी वाई बाई में डी एक्स सारे का स्केयर का स्केयर, यहां पे तो काफी बार स्केयर किया गया बट उसे अलग दिया गया डी स्केयर डी एक्स स्केयर। अब यहां पे इसकी पावर क्या है, वन, और हाईएस्ट डिफरेंशियबल यही है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हुआ, इसको तो मैंने देखना भी नहीं है, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर मेरा हो गया टू, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव है। इसी की पावर जितनी होगी ना वही मेरी डिग्री होगी, डिग्री मेरी कितनी होगी, वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर एंड डिग्री टू और वन, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हिंदी के अंदर किसी ने अगर देखना हो तो वो देख सकता है, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज दी हुई है। अब आपको पता है एक इक्वेशन आपके पास होती है, वो कौन सी इक्वेशन होती है, डी वाई बाई में डी एस डिफरेंशियल इक्वेशन में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकालता हूं वो क्या निकालता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको करवाई हुई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर पी डी एक्स, ये मेरा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद फर्दर भी अगर ये पूछता है तब मैं इसका आंसर जो है, आंसर हम इसका ऐसे लिखते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में सी, ठीक है, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। बट जो है सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो इसको मैं पहले सोल्व करूंगा, तो डी वाई बाय में डी एक्स, इसको पहले डिवाइड कर दूंगा, प्लस वाई बाय में क्या आ जाएगा मेरा, एक्स लोग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू बाय में लोग एक्स से लोग एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। ये मेरा अब प्रॉपर इक्वेशन बनी है। अब इसके अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं ऊपर वाली इक्वेशन से, डी वाई बाय में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो P जो है मेरा क्या आ रहा है, Y टाइम्स के साथ जो भी है वो P आ रहा है, X इंटू लोग एक्स मेरा आ रहा है। तो अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से,
e की पावर p dx, तो e की पावर p 1 बाय में x इंटू लोग x और dx। अब यहां देखिए 1 बाय लोग x, नीचे जो लोग x है उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 बाय x। जब भी कोई ऐसी इक्वेशन होती है जैसे x स्क्वायर है, अगर मैं 2x ऊपर लगा दूं इसका डेरिवेटिव, तो मेरा आंसर क्या होता है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मतलब ऊपर क्या साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 2x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोग टाइम x के, यही होता है। अब इसका डेरिवेटिव चूंकि साथ में पड़ा हुआ है लोग x का 1 बाय x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर लोग टाइम लोग x, ठीक है ना, लोग टाइम थीटा आ जाएगा, लोग टाइम जो भी दिया होगा, तो e से तो एक लोग कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया मेरा लोग x, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो भी है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, जो भी है, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन है, या ए सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजन है। इसका जो आंसर है आपने कमेंट के अंदर देना, ये मैं यूट्यूब पे पब्लिकली कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम लिया जाएगा, और अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना है, क्योंकि सारे लेक्चर जो है यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके मिशन D SSS B, ठीक है, और नीचे लिंक मिल जाएगा। आईफोन के अंदर अगर किसी ने टैबलेट के अंदर डाउनलोड करनी है वो भी कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन लैपटॉप के अंदर भी चल जाती है, उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हैप्पी लर्निंग।